चैनल यूटोपिया वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब और ईद कैसी गुजरी? आई होप कि ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, और वो है काशी की ब्लश ऑन पैलेट का रिव्यू। ठीक है, काशी को तो हर कोई अपने उनके नाम से, उनके काम से हर कोई बहुत अच्छी तरह जानता है। जितना अच्छा उनका काम है, उनके प्रोडक्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं। जितना अच्छा उनका मेकअप है, जितना अच्छा वो मेकअप करते हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को भी उतना ही अट्रैक्टिव, उतना ही अच्छा और खूबसूरत बनाया है। जैसे आप इस पैलेट को देख सकते हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। आप जैसे देख सकते हैं कि इस पर इन्होंने बर्ड्स बनाई हुई हैं और साथ में जो है वो बटरफ्लाई भी बनाई हुई है। जितने ज़्यादा खूबसूरत और प्रेजेंटेबल जो है वो इनके प्रोडक्ट्स बाहर से लगते हैं, उतने ही वो अंदर से भी हैं। इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ इनके एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ, और वो है काशी की बटर फिनिश ब्लश ऑन पैलेट। चले जी, ये तो हो गया इनके प्रोडक्ट का बाहर से इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट अंदर से कैसा है। अच्छा जी, इस पैलेट के दो शेड्स थे, यानी कि ये इस पैलेट के अंदर सिक्स शेड्स हैं। और इस तरह की एक और पैलेट है जिसका नंबर जो है वो आई थिंक मेरे पास नंबर 2 है, और एक इनकी पैलेट है नंबर 1 जिसके अंदर मोर 6 शेड्स हैं। ठीक है, तो टोटल इनके 12 शेड्स हैं। 6 इस पैलेट में शेड्स हैं और 6 दूसरी पैलेट में शेड्स हैं। इस पैलेट के जो शेड्स थे वो मुझे ज़्यादा अच्छे और कन्वीनियंट लगे, ज़्यादा यूज़फुल लगे, कि वो ज़्यादा हम इजिली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस शेड की पैलेट ली है। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से शेड्स हैं। अब बारी आती है इस पैलेट के अंदर से रिव्यू की, तो अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। और सबसे अच्छी बात इनके पैलेट्स की और इनके मेकअप की ये है कि इनका जो मिरर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा होता है। इनकी हर पैलेट का, हर मेकअप का जो मिरर है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत बड़ा और क्लीन है। ठीक है जी, सबसे अच्छी बात इनके मेकअप की ये है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने मिरर यूज़ किया है कि इजिली आप एक इस मिरर से जो है वो आप इजिली अपना मेकअप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं दिखाती हूँ इनके शेड्स। ये ऊपर एक और ये प्लास्टिक है, ये लगी हुई है और मैंने इसको हटा दिया। और अब आप देखें इसके शेड्स, ये 6 शेड्स हैं। और इसके अलावा दूसरी पैलेट है, उसमें भी 6 शेड्स हैं। तो टोटल इनकी 2 पैलेट्स हैं और उनमें 12 शेड्स हैं। अच्छा, ये वाली पैलेट मैंने इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि इसके जो शेड्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा ईजी कन्वीनियंट लगे, कि ये जो है वो हमारे डे एंड नाइट हैवी और जो है वो पार्टी मेकअप के लिए और लाइट मेकअप के लिए सुटेबल रहेंगे। ठीक है जी, ये 2 पिंक के शेड्स आ गए हैं, ये 2 ब्राउन के शेड्स आ जाते हैं, ये पीच का एक शेड आ जाता है और एक ये जो है वो मरून शेड आ जाता है। थोड़ा सा तरीके से हमारे पास ये हम चाहें मतलब कि डिफरेंट मेकअप्स में डिफरेंट मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। डे एंड नाइट मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, अब मैं इनके जो है वो इन शेड्स के आपके साथ एक स्क्वैचेस शेयर कर देती हूँ, स्क्वैचेस दिखा देती हूँ और इनके पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। रिजल्ट्स बहुत अच्छा है इनका। सारा मेकअप जो है वो प्रोफेशनल मेकअप है। इनके ब्रशेज, इनके लिपस्टिक, इनकी फाउंडेशन और डिफरेंट इनकी जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी इनके प्रोफेशनल मेकअप है। इवन के आप जब वो मेकअप घर में भी करते हैं तो वो लुक देती है पार्लर के मेकअप की। ठीक है, मीन्स के जो आपने हैवी मेकअप करना होता है और अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है आपके अपने घर का और आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा हैवी लुक हो बट आप पार्लर भी नहीं जाना चाहते, वहां से भी आप जो है वो मेकअप नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए काशी का मेकअप बेस्ट है, रिकमेंडेड है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ इनके सारे शेड्स की जो है वो स्क्वैचेस शेयर करने लगी हूँ, और आप जो है वो इसका व्यू जो है वो करीब से देख लेंगे, करीब से इनके कलर्स जो है वो किस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। पहले जो मैं आपको दिखा रही थी उसमें लाइट का शेड पड़ रहा था, और अब जो है वो क्लियरली कैमरे को मैंने जो है वो फोकस कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनके कलर्स हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी पिगमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला कलर दिखाती हूँ।
कैमरे की थोड़ी फोकसिंग का प्रॉब्लम है, तो पहले मैं सारे शेड्स जो है वो अपने हाथों पे लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके अपने हाथ पे आपको इसके स्क्रैचेस जो है वो चेक करा देती हूँ, दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये सारे आप शेड्स चेक कर लें, शेड नंबर 1, शेड नंबर 2, फिर उसके बाद शेड नंबर 3 आता है और शेड नंबर 4 आता है, शेड नंबर 5 मैंने शुरू में लगाया है, ये वाला ये शेड नंबर 5 है और ये लास्ट में शेड नंबर 6 है। ये सारे इनके शेड्स हैं, आप शेड्स चेक कर लें और इनकी पिगमेंटेशन चेक कर लें कितनी ऑसम है। मैं एक दफा और आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ कि आप करीब से देख लें सारे शेड्स। चलिए जी, यहाँ तो इनका हो गया ब्लश ऑन पैलेट का रिव्यू। आई होप सो कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, इस पैलेट के शेड्स और पिगमेंटेशन भी आपको अच्छे लगे होंगे। और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डल डल है क्योंकि जो है वो ईद की थकन है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के साथ इनके जो है वो और भी मेकअप्स का जो है वो आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। बहुत ही ऑसम, बहुत ही पिगमेंटेड, बहुत ही अच्छा मेकअप है, बस करना आना चाहिए। आप इनके सिर्फ एक पैलेट से जो है वो बहुत सारे मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हैं और घर में भी आप जो है वो प्रोफेशनल मेकअप कर सकते हैं इनके मेकअप से, ठीक है। और अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक नया 3 इंग्रेडिएंट्स हेयर मास्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपने मेरे साथ रहना है, मेरी तमाम वीडियोज को देखना है और अगली वीडियो के आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।